मेन वर्क होता है कि एक स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर वो होता है जो कि फिजिकल क्वांटिटीज को कन्वर्ट करके, फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि लोड, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट, कोई मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो अगर, या लोड हो या प्रेशर हो, तो इसको ये कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल आउटपुट रिजल्ट देता है। इसका यही काम होता है स्ट्रेन गेज का, जैसा कि आपको इसमें लिखा हुआ है, अ स्ट्रेन गेज टाइप ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लोड, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट इनटू मैकेनिकल स्ट्रेन ऑन द स्ट्रेन जनरेटिंग बॉडी, जैसे कि इलास्टिक बॉडी, एंड मैकेनिकल स्ट्रेन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट यूजिंग स्ट्रेन गेजेस माउंटिंग ऑन द इलास्टिक बॉडी। कोई भी इलास्टिक बॉडी अगर माउंट करती है, माउंटेड होती है, उसके द्वारा ये स्ट्रेन इलेक्ट्रिकल आउटपुट के द्वारा ये रिजल्ट देता है। यही स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर का यूज होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर ये होता है जो कि अगर कोई इनपुट वेरिएशन देने के बाद अगर वो कन्वर्ट करके आउटपुट रिजल्ट देता है तो वो हमारे पास ट्रांसड्यूसर कहलाता है। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर वो कहलाता है जिसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, जैसे कि लोड, प्रेशर या डिस्प्लेसमेंट, ये हो सकता है सच एज लोड, प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, ये मैकेनिकल के द्वारा अगर हम इसमें अप्लाई करें तो इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन के द्वारा ये कन्वर्ट करके आउटपुट रिजल्ट देता है। इसको ही हम स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। इसको हम डायग्राम्स के द्वारा समझेंगे। ये जो डायग्राम है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर का डायग्राम है। स्ट्रेन गेज के लिए हमारे पास देखें तो स्ट्रेन गेज जो होता है ये कहलाता है। इसमें हमारे पास इसमें गेज रेजिस्टेंस वायर होते हैं जो कि आपको इसमें दिख रहा होगा डायग्राम में। इसके द्वारा यहाँ पर क्वाइल लगी होती है, क्वाइल के द्वारा जो कि आउटपुट रिजल्ट देने के लिए रहता है व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा। ये जो होता है इसमें डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन होता है, जो भी स्ट्रेन होगा उसकी डायरेक्शन है ये। और ये जो है ये है गेज ब्रेकिंग कहलाता है ये वाला। ये जो हमारे पास पूरा पार्ट होगा उसको हम गेज ब्रेकिंग बोलेंगे और ये गेज ब्रेकिंग कहलाता है और इसको हम बोलेंगे गेज रेजिस्टेंस वायर। ये होता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेन और ये होती है क्वाइल जो कि आउटपुट रिजल्ट में अटैच होती है, इसको हम अटैच में लगाया जाता है उसके लिए। अब इसको हम देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसा इसको लगाया गया है, इस टाइप से लगाया गया। ये स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन गेज की दो क्वाइल को आपस में लगाकर, ज्वाइंट लगा करके इस स्ट्रेन गेज में जो व्हीट स्टोन ब्रिज है इसमें जोड़ा गया है। जोड़ने के बाद इसमें हमारे पास एक R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है और इसको जाकर के वो बैटरी के द्वारा इसको बोल्ट जो करंट है बैटरी के द्वारा इसको अटैच किया गया है। और यहाँ पर ये बोल्ट है, V का मतलब बोल्ट है, R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है, R2 सेकंड रेजिस्टेंस है, R3 थर्ड रेजिस्टेंस है और फोर्थ रेजिस्टेंस के लिए स्ट्रेन गेज को जोड़ा गया है। अब इसमें अगर हमारे पास जब भी इसमें अगर अगर इसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका ये आउटपुट के द्वारा ये रिजल्ट देगा, रीडिंग बना करके बता देगा कितना रेजिस्टेंस हो रहा है। जैसे कि हम कोई प्रेशर जनरेट करते हैं तो प्रेशर की रीडिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा दिख जाती है कि कितना प्रेशर है। अगर कोई हम स्पीड रोटेशन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के द्वारा इसमें स्पीड भी हम रीडिंग निकाल सकते हैं। इस टाइप से हम बहुत सारी चीजें इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं, इसको ही हम स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो ये है, आई स्ट्रेन गेज ब्लॉक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द कंडक्टर्स ज्योमेट्री। व्हेनेवर अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इलास्टिसिटी इट डजंट ब्रेक ऑफ गेट्स नैरो द लॉन्गर। मतलब अगर इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो ये है कि अगर हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी जैसे स्पीड, प्रेशर, एक्स्ट्रा अगर हम कोई भी मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन गेज के द्वारा आउटपुट रिजल्ट देता है। इसका जो मटेरियल होता है ये गेज फैक्टर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें यूजेस यूजेस कैसे करना है, इसमें स्ट्रेन गेज इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेंसर। इसमें एक इलेक्ट्रिकल सेंसर लगाया जाता है इसमें जो कि प्राइमरी यूज किया जाता है फोर्स को मेजर करने के लिए या फिर स्ट्रेन को मेजर करने के लिए। और ये स्ट्रेन गेज के द्वारा अप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट रिजल्ट। जैसे कि हम इसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं प्रेशर, फोर्स, वेट एंड टेंशन। इसको हम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, प्रेशर, फोर्स, वेट एंड टेंशन। अब इसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस इसका है। इसका जो यूज किया जाता है स्ट्रेन गेज का, ये मेनली किया जाता है टेस्ट व्हीकल के लिए, शिप हल्स के लिए, डैम्स के लिए एंड ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी इसका यूज किया जाता है।
और इसका सिंपल सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका एप्लीकेशन है, इसका यूज होता है स्ट्रेन गेज का। इसके द्वारा क्या होता है, कोई ब्रिज या बिल्डिंग का जो स्ट्रेस होता है उसको मेजर कर सकते हैं, या कोई भी एनालिटिकल मॉडल एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन को कंपेयर भी करने का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में हमारे पास आ जाएगा, इसका यूज जो होता है टेस्ट व्हीकल में होता है, शिप हल्स में होता है, डैम्स में होता है, एंड ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में जिसका यूज होता है वो ये होता है कि ब्रिज या जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होते हैं उसके में स्ट्रेस को मेजर करने के लिए, और अगर कोई एनालिटिकल मॉडल एंड स्ट्रेस कैलकुलेशन हो उसको कंपेयर करने के लिए भी इसका यूज होता है स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर का।